इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट सॉयल कंजर्वेशन ऑफिसर डबल ए एच ओ या उससे रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार तेज और आप देख रहे हैं तेज एजी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ ब्यूरेट इन यूरिया फर्टिलाइजर इज, यूरिया फर्टिलाइजर में जो मैक्सिमम लिमिट है ब्यूरेट की वो कितनी होनी चाहिए, 0.5%, 1%, 1.5% या 2%। सो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ ब्यूरेट इन यूरिया फर्टिलाइजर इज 1.5%, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, याद रखना है कौन सी इरोजन है जो कि विजिबल नहीं है नेक्ड आई, ठीक है, मीन्स उसको फार्मर्स नोटिस नहीं कर पाते हैं, कौन सी ऐसी इरोजन है, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रील इरोजन या गली इरोजन। तो फोर स्टेजेस होते हैं, पहला स्टेज को कहते हैं स्प्लैश इरोजन, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेज ऑफ इरोजन है, याद रखना, ये सेकेंड स्टेज है, देन रील इरोजन क्या है थर्ड स्टेज है, और गली इरोजन फोर्थ स्टेज है, ठीक है। तो स्प्लैश इरोजन फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन, सेकेंड क्या हो जाएगा शीट जो कि नॉट विजिबल बाई फार्मर्स या नॉट विजिबल बाई नेक्ड आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नोटिस विजिबल नहीं कहेंगे, नॉट नोटिस बाई फार्मर, क्योंकि शीट के फॉर्म में यहाँ पर इरोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। मोस्ट हार्मफुल जो स्टेज होता है सेकेंड स्टेज होता है इरोजन का, रील इरोजन क्या होता है नॉर्मल आप कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो सही हो जाता है, लेकिन गली इरोजन क्या होता है नॉर्मल जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है उससे भी सही नहीं होता है, ठीक है, अगर नॉर्मल टीलेज करते हैं तो उससे भी सही नहीं होता है गली इरोजन, लेकिन रील्स में क्या है अगर नॉर्मल आप टीलेज कर रहे हैं तो वहाँ पर वो इरोजन सब सही पता नहीं चलता है सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेचुरल नेट्रिफिकेशन इनिबिटर, इनमें से कौन है जो कि नेचुरल नेट्रिफिकेशन इनिबिटर है, नीम, करंज, निमिन या ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज अ नेचुरल नेट्रिफिकेशन इनिबिटर। देन क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ जीरो इक्विवेलेंट एसिडिटी और इट और इज अ न्यूट्रल फर्टिलाइजर, कौन सा फर्टिलाइजर है जिसका जो फर्टिलाइजर इक्विवेलेंट एसिडिटी है वो जीरो है, ठीक है, और न्यूट्रल फर्टिलाइजर है अनहाइड्रस अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया या कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम लोग किसान खाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सबका हम लोग जो जो भी इक्विवेलेंट एसिडिटी है एक बार वो देख लेते हैं, अगर बात करते हैं अनहाइड्रस अमोनिया के तो वो कितना होता है 148, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं कि अनहाइड्रस अमोनिया का जो इक्विवेलेंट एसिडिटी है वो कितना होता है 148, अमोनियम नाइट्रेट का कितना होता है 60, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का कितना होता है 60, यूरिया का पूछे तो यूरिया का 84 होता है, डीएपी का 60 होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अगर ये पूछ ले कैन का तो कैन का कितना होता है 0, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, ठीक है, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का वो क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या H2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, मीथेन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु एस्टैब्लिश द एसेंशियलिटी ऑफ निकल इन प्लांट, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने एसेंशियलिटी ऑफ निकल को प्लांट में एस्टैब्लिश किया, उन्होंने बताया उसकी एसेंशियलिटी को, ब्राउन एट ऑल 1987, वेल्च एट ऑल 1987, अर्नन स्टाउट 1939, स्टाउट 1987, ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने निकल की एसेंशियलिटी को बताया प्लांट में, थे ब्राउन एट ऑल या उनके ब्राउन उनके साथी, ठीक है, ब्राउन एट ऑल 1987। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मॉलिब्डेनम को किसने बताया तो वहाँ पर अर्नन स्टाउट हो जाएंगे, ठीक है, इन्होंने किसका बताया था मॉलिब्डेनम के लिए कि उस एसेंशियल है प्लांट के लिए। और अगर क्वेश्चन पूछे एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट किसने किसके द्वारा दिया गया था तो वहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा अर्नन स्टाउट इन 1939, ईयर भी याद रखना, ईयर भी काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है, और मॉलिब्डेनम की एसेंशियलिटी किसने दिया था तो अर्नन स्टाउट ने। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन मिनरल सॉयल मॉलिब्डेनम इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद, जो मिनरल सॉयल में जो मॉलिब्डेनम होता है वो प्रीडोमिनेंट किसके साथ एसोसिएट रहता है, किस साथ रहता है, जुड़ा रहता है अमॉर्फस आयरन ऑक्साइड, ऑर्गेनिक एमन मैंगनीज ऑक्साइड या क्ले, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इन मिनरल सॉयल मॉलिब्डेनम इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद अमॉर्फस आयरन ऑक्साइड। देन क्वेश्चन नंबर एट, म्यूरेट ऑफ पोटास इज प्रोड्यूस चीफली फ्रॉम ओर कंटेनिंग, जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो किस ओर से बनता है, ठीक है, किस ओर में पाया जाता है, हेलाइट, सेलेनाइट, ज़ाइलोनाइट या लैंगबिनाइट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए बी सी या डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सेलेनाइट, ठीक है,
यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि म्यूरेट ऑफ पोटास का आप लोग को फॉर्मूला बताना है कि म्यूरेट ऑफ पोटास का फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। एकदम इजी क्वेश्चन, पिछले वीडियो मैंने, अगर नहीं देखा आपने वीडियो पिछला वाला तो वहाँ पर मैंने बताया भी था कि फॉर्मूला क्या होता है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, द एलिमेंट रिसेंटली रिपोर्टेड टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन राइस प्लांट इज कौन सा एलिमेंट है जिसका बेनिफिशियल इफेक्ट है राइस प्लांट पे? सिलिकॉन, कोबाल्ट, सोडियम या सिलिकॉन, ठीक है, सिलेनियम। तो कौन सा एलिमेंट रिसेंटली रिपोर्ट किया गया कि उसका बेनिफिशियल इफेक्ट है राइस प्लांट पे? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, ठीक है। ये क्या वैसे भी बेनिफिशियल एलिमेंट के अंदर आता है, सिलिकॉन इज अ बेनिफिशियल एलिमेंट विच रिपोर्टेड रिसेंटली एंड हैज बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन प्लांट। देन क्वेश्चन नंबर 10, येलोइंग ऑफ यंगर लीव्स वाइल ओल्डर लीव्स रिमेनिंग ग्रीन इज अ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ। जो यंगर लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, ठीक है, और जो ओल्डर लीव्स हैं उनमें कोई भी सिम्टम्स अपियर नहीं होता, वो जैसे की थी वैसे रहती हैं। ये किस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का सिम्टम्स है? नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का या सल्फर का? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किन न्यूट्रिएंट का जो सिम्टम्स है वो ओल्डर लीव्स पे आता है और किन का यंगर लीव्स पे आता है। तो ओल्डर लीव्स एनपीके जो है इनका सिम्टम्स कहाँ पर आता है? ओल्डर लीव्स में, ठीक है, ओल्डर लीव्स जो होती हैं वहाँ पर इनके सिम्टम्स शो होते हैं। अगर बात करते हैं यंगर लीव्स की तो सल्फर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सल्फर। और भी कुछ हैं जैसे आयरन, ठीक है, आयरन का भी आता है, कॉपर का भी यंगर लीव्स पे ही आता है, और मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का भी किस पे आता है? यंगर लीव्स पे। देन क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म सोलेंट मीन्स, ठीक है, सोलेंट्स का मतलब क्या होता है? सलाइन सॉयल, सलाइन अल्कलाइन सॉयल, एल्कली सॉयल या ऑल ऑफ दिस। सो द टर्म सोलेंट्स मीन्स क्या होता है? एल्कली सॉयल या सोडिक सॉयल या ब्लैक अल्कली सॉयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सोडिक सॉयल या आप कह सकते हैं ब्लैक अल्कली सॉयल, ठीक है। ये टर्म क्या है कि अगर आपको एल्कली ना कह के आपको सोडिक सॉयल कह देगा या सोडिक सॉयल ना कह के आपको ब्लैक अल्कली सॉयल कह देगा, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसलिए मैं ऑप्शन बताते जाता हूँ कि ये भी आपका ऑप्शन में रख सकता है एग्जामिनर। तो द टर्म सोलोनेट्स मीन्स ब्लैक अल्कली सॉयल या एल्कली सॉयल और यू कैन से सोडिक सॉयल। देन क्वेश्चन नंबर 12, द मैंडेट क्रॉप ऑफ सीमिट मैक्सिको, ठीक है, सीमिट में कौन कौन सी क्रॉप हैं जहाँ पर उनके बारे में रिसर्च होती है, कौन सी मैंडेट क्रॉप है? राइस एंड वीट, वीट एंड मेज, राइस एंड मेज या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप इजीली कर ले जाएंगे। तो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर। आपको डब्ल्यू कहीं दिख नहीं रहा है वीट, तो कोई नहीं, याद रखिएगा इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, वीट और मेज के लिए जो मैंडेट क्रॉप है, मैंडेट क्रॉप है सीमिट की, वो कौन सी है? वीट और मेज। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनेमिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है सॉइल की जो कि डायनेमिक है? सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिक प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सी डायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो दोनों अपोजिट थी, ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया भी था, पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए जा करके। और ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग को छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से है, ठीक है, हितेश एजी के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी क्विजेज़ आते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी पीडीएफ प्रिपेयर होती है एग्जाम रिलेटेड तो मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, वहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हितेश जी के नाम से सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर आ जाएगा, वरना जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ यूरियस इनहिबिटर, इनमें से कौन है जो कि कॉमनली एज अ यूरियस इनहिबिटर के रूप में यूज़ किया जाता है? डाइसाइनामाइड, नाइट्रोपिन एंड सर्व या फिनाइल फॉस्फोरो डाइमिडेट, ठीक है, तो कौन सा है जो कि कॉमनली यूज एज अ यूरियस इनहिबिटर? पीपीडी, फिनाइल फॉस्फो डाइमिडेट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है, ये हमारा कॉमनली यूज किया जाता है एज अ यूरियस इनहिबिटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 15, NH4 फिक्सेशन इन सॉइल इज ड्यू टू, NH4 का फिक्सेशन होता है अमोनियम का वो सॉइल में, वो किसकी वजह से होता है? माइक्रोबियल फिक्सेशन की वजह से होता है, केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन, इमोबिलाइजेशन या मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि स्टैटिक है? इससे पहले क्वेश्चन में आपको कमेंट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि डायनेमिक है। ठीक है, यहाँ पर पूछा कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि स्टैटिक है, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, परमेबिलिटी या स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पार्टिकल डेंसिटी इज अ स्टैटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि स्टैटिक है, तो पार्टिकल डेंसिटी इज अ स्टैटिक प्रॉपर्टी। देन क्वेश्चन नंबर 17, ISRIC वर्ल्ड सॉइल फॉर्मेशन इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है? वैगिनेगिन में, जो कि नीदरलैंड में लोकेटेड है, हैम्बर्ग जर्मनी, विस्कॉन्सिन US या एबरडीन UK। ठीक है, तो ये ISRIC वर्ल्ड सॉइल फॉर्मेशन कहाँ पर लोकेटेड है? वैगिनेगिन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर आपसे पूछ ले IUSS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो एबरडीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर देन यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, जो कि UK में लोकेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द सॉइल ऑर्डर हैविंग सेल्फ मल्च सॉइल, कौन सा सॉइल ऑर्डर है जिसमें सेल्फ मल्च सॉइल पाई जाती हैं? ठीक है, सेल्फ मल्च का मतलब अपने आप उसमें मल्चिंग होती रहती है। ठीक है, तो ये होता क्यों है? ड्यू टू श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग, अल्टरनेट श्रिंकिंग और स्वेलिंग होती रहती है जिसकी वजह से उसमें सेल्फ मल्चिंग होती है। ठीक है, और तो एक तो ये क्वेश्चन बना, तो ये ऑप्शन नंबर आपका वर्टिजोल क्या हो जाएगा? करेक्ट, सॉइल ऑर्डर हैविंग सेल्फ मल्च सॉइल इज वर्टिजोल, जिसको जिसके अंदर ब्लैक सॉइल्स आती हैं। पाई कहाँ पर जाती हैं? तो डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि इनमें कौन सा होराइजन नहीं पाया जाता है, तो बी होराइजन नहीं पाया जाता है, और जो ए होराइजन होता है वो काफ़ी डीप, एक्सट्रीमली डीप होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहता है, बाकी जो बी होराइजन है वो इस सॉइल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नो बी होराइजन, तो ये चीज़ याद रखना है, वर्टिजोल सॉइल में बी वर्टिजोल जो ऑर्डर है उसमें बी होराइजन नहीं पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन है क्या, फॉर्मेशन फॉर्म क्या करता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया या नाइट्रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए क्या, सॉरी सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देन क्वेश्चन नंबर 20, गोबर गैस प्रोडक्शन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन, सबसे पहले जो गोबर गैस का प्रोडक्शन है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? जर्मनी में, जापान में, इंडिया में या USA में? ठीक है, तो सबसे पहले जो गोबर गैस का प्रोडक्शन है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर एज बेनिफिशियल एलिमेंट टू प्लांट, कौन सा एलिमेंट है जो कि बेनिफिशियल एलिमेंट कंसिडर किया जाता है प्लांट के लिए? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर बेनिफिशियल एलिमेंट की बात करें तो वो कितने हैं? 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, याद आपको रखना है, सबसे पहला क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, ठीक है, SI, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? V, ठीक है, वेनेडियम, देन CO कोबाल्ट और क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद ऐसे रख लीजिए SiVCONA, ठीक है, सिकोना, ऐसे याद रखेंगे तो ये हमारे कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट हैं जो कि बेनिफिशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? डी, सिलिकॉन। ठीक है, अब पूछ लेता है कभी कभी कि फंक्शनल एलिमेंट कितने हैं, तो फंक्शनल की बात करें तो कितने हैं? 17। ठीक है, ये हमारे फंक्शनल एलिमेंट है, और प्लस 4 भी, सॉरी फंक्शनल एलिमेंट कितने, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमें पता है कि एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? 17, ये हमारे क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, और ये हमारे क्या है? बेनिफिशियल एलिमेंट है, तो जो फंक्शनल एलिमेंट होते हैं वो क्या? एसेंशियल एलिमेंट प्लस बेनिफिशियल एलिमेंट, तो टोटल जोड़ देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे? फंक्शनल एलिमेंट, तो 17 प्लस 4 21 हमारे क्या कितने हो जाएंगे? फंक्शनल एलिमेंट। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, जो टर्म है फंक्शनल एलिमेंट वो किसके द्वारा दिया, फंक्शनल न्यूट्रिएंट वो किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो DJ Nicholas, ठीक है, DJ Nicholas के द्वारा जो टर्म है फंक्शनल
न्यूट्रिएंट वो दिया गया था। ईयर पूछ लेता है कभी कभी, तो ईयर क्या हो जाएगा 1963। ठीक, किस ईयर में? 1963 में द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट वॉज प्रपोज बाई डीजे निकलस। देन क्वेश्चन नंबर 22, द केमिकल फॉर्मूला फॉर पोटेशियम मेटा फॉस्फेट इज। पोटेशियम मेटा फॉस्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? के पी ओ थ्री इज अ फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मेटा फॉस्फेट। देन क्वेश्चन नंबर 23, द मिनरल दैट कंटेन के टू एस ओ फोर पोटेशियम सल्फेट कौन से मिनरल में पाया जाता है? कार्नलाइट, कैनाइट, लैंगबिनाइट या सेल्विनाइट। ठीक है, तो किस में पाया जाता है? कार्नलाइट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, मिनरल किस के टू एस ओ फोर किस में पाया जाता है? कार्नलाइट में। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच सॉयल ऑर्डर आर कॉल्ड एज चर्निंग सॉयल। ठीक है, कौन से सॉयल ऑर्डर की सॉयल जो चर्निंग सॉयल के नाम से जानी जाती? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन सुनिएगा सही से, एकदम अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, कौन से सॉयल ऑर्डर की तो कहलाती है चर्निंग सॉयल? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? गैलीजोल। ठीक है, गैलीजोल की जो सॉयल है उनको चर्निंग सॉयल के नाम से जानते हैं। अगर कभी पूछ ले कौन सी सॉयल है जो कि वॉल्केनिक ऐश से बनी है, ठीक है, कौन से सॉयल ऑर्डर हैं जो कि वॉल्केनिक ऐश से बनी है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंडीजोल। ठीक है, ये हमारी किससे बनी है? वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, वॉल्केनिक ऐश से कौन सी बनी? एंडीजोल। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी सॉयल है जिसमें एटलीस्ट 35% जो है वो बेस सैचुरेशन होता है। ठीक है, 35% बेस सैचुरेशन। ठीक है, तो वो क्या है, कौन सी सॉयल ऑर्डर है? अल्फिजोल। ठीक है, अल्फिजोल में 35% एटलीस्ट बेस सैचुरेशन पाया जाता है। देन विच सॉयल ऑर्डर आर कॉल्ड एज पोडजोल। पोडजोल, ठीक है, कौन से सॉयल ऑर्डर को पोडजोल के नाम से जानते हैं? स्पोडजोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, लेकिन यहाँ पर चर्निंग सॉयल के नाम से कौन है, कौन सा सॉयल ऑर्डर है? तो गैलीजोल्स। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज मोस्ट सीरियस स्पेशली इन रेड एंड ब्लैक सॉयल। में कौन सा इरोजन है जो कि मोस्ट सीरियस होता है? काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शीट इरोजन। कोई भी सॉयल हो वहाँ पर जो शीट इरोजन होता है सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉस होती है, फार्मर को पता नहीं चलता है, नोटिस नहीं कर पाता और इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।